Dear students, I welcome you to the BioWin Academy. Today we are going to talk about pollination by water, that is called as hydrophily. आज हम hydrophily के बारे में study करेंगे. Hydrophily मतलब क्या? जो pollen grains है, these pollen grains are transferred by water. मतलब इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन वाटर के जरिए होता है. पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ये वाटर के जरिए होता है. जैसा एनिमोफाइली में हमने देखा था, विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर कैरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. वैसा ही यहां पर पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय वाटर. And that this is called as hydrophily. So it is found only in 30 genera of aquatic monocots. Example: Vallisneria, Zostera, and Ceratophyllum. ये जो तीन plants है, Vallisneria, Zostera, and Ceratophyllum. इन plants में आपको hydrophily ये pollination का तरीका दिखाई देगा. ये जो हाइड्रोफाइली है, इनके फ्लावर्स का जो एडाप्टेशन है, दैट एडाप्टेशन विल बी इन सच अ वे सो दैट इट विल सूट द हाइड्रोफाइली वेरी इजीली. फर्स्ट पॉइंट में है, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस. ऑब्वियसली यहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर के जरिए हो रहा है. वाटर नॉन लिविंग एजेंट है, इसलिए प्लांट को ज्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. यहां प्लांट को पता है, उसे समझता है कि जो जो उनका जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करना है, किसी लिविंग एजेंट को उसके लिए अट्रैक्ट करना नहीं है. वाटर क्या है? नॉन लिविंग एजेंट है. तो वाटर अगर नॉन लिविंग एजेंट है तो उसके लिए फ्रेग्रेंस डेवलप करना, अट्रैक्टिव कलर डेवलप करना, सेंट डेवलप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इसलिए इन प्लांट्स में फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड प्लांट्स डू नॉट मेक एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेग्रेंस, कलर, नेक्टर एक्सेट्रा. Perianth and other floral parts are unwettable. This is very important point. क्योंकि flower कहां है, plant कहां है, water में है, तो इसके वजह से उनका जो perianth है, perianth मतलब होता है उस flower का calyx और corolla, ये दोनों के दोनों कैसे fused है. So ये जो perianth है, calyx and corolla, ये दोनों valves और उसके अलावा बाकी के जितने भी floral parts है, दे आर अनवेटेबल, वो गीले नहीं होते. देन पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज. वाई दे आर अनवेटेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी इन द वॉटर. अगर पानी में वो अगर गीले हो गए, अगर वेट हो गए, तो ऑब्वियसली वॉट विल हैपन? दे विल बिकम इजी टारगेट फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. जल्दी से खराब हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिग्रेड कर देंगे, सड़ जाएंगे. ये नहीं होना चाहिए, इसलिए पोलन ग्रेन्स के ऊपर म्यूसिलेज की कोटिंग रहती है. दैट इज वाई दे आर अनवेटेबल. पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे आर नॉट सर्क्यूलर और स्फेरिकल, दे आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज. बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज पोलन ग्रेन्स बिकम अनवेटेबल. Then nectar and fragrance are lacking in the flower. In flowers में nectar भी नहीं होता है. Nectar का मतलब है sugary solution, और fragrance भी absent है. So both are lacking in these flowers. Hydrophily is of two types. First is hypohydrophily and second is epihydrophily. हाइड्रोफाइली के दो टाइप्स है, एक है हाइपोहाइड्रोफाइली और दूसरा है एपी हाइड्रोफाइली.
हाइपो का मतलब, हाइपो हाइड्रोफाइली का मतलब होता है बिलो द वॉटर सरफेस, मतलब यहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वॉटर, हाइपो यानी बिलो, नीचे। पोलन ग्रेन्स वॉटर के ऊपर फ्लोट नहीं होते। एपी हाइड्रोफाइली जो है, दूसरा हाइड्रोफाइली है एपी हाइड्रोफाइली, एपी हाइड्रोफाइली में पोलन ग्रेन्स वॉटर सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं, लेकिन हाइपो हाइड्रोफाइली में पोलन ग्रेन्स आर नॉट, पोलन ग्रेन्स डू नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर। सो व्हाट हैपन्स, पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वॉटर, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि जो फीमेल फ्लावर है वो वॉटर के अंदर इमर्स्ड है, उसका स्टिग्मा क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है वो पोलन ग्रेन वॉटर में धीरे धीरे सिंक डाउन होते जाएगा और फिर स्टिग्मा को जाके अटैच हो जाएगा। सो हियर द पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वॉटर, यानी वॉटर से हेवियर है पोलन ग्रेन, इट विल सिंक डाउन, वो धीरे धीरे नीचे सेटल होते जाएगा, एंड बिलो द सर्फेस ऑफ वॉटर, अंडर द सर्फेस ऑफ वॉटर, वेयर एवर फीमेल फ्लावर इज देयर, दैट फीमेल फ्लावर विल कैच, द स्टिग्मा ऑफ दैट फीमेल फ्लावर विल कैच दैट पर्टिक्युलर पोलन ग्रेन। सो हियर द पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वॉटर, सिंक डाउन एंड कॉट बाय द स्टिग्माज ऑफ फीमेल फ्लावर्स, एग्जाम्पल इज झोस्टेरा। सो इन केस ऑफ द झोस्टेरा, which is also called as sea grass, the pollen grains are, so in case of the zostera which is also called as sea grass, the pollen grains, they are long, they are ribbon like and without exine. So hypohydrophily mein ye hota hai ki pollen grains iska वेट ज्यादा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है, एंड दिस पोलन ग्रेन विल सिंक डाउन एंड विल बी सेटल्ड ऑन द फीमेल फ्लावर। एपी हाइड्रोफाइली, एपी का मतलब है अभाव। तो एपी हाइड्रोफाइली में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है एक्वेटिक प्लांट्स में, ये पोलन ग्रेन्स जो निकलते हैं वो वॉटर सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस एंड देन रीच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। अब एग्जाम्पल इसका जो दिया है वैलिस्नेरिया, ये एग्जाम्पल दिया है। वैलिस्नेरिया क्या है, इट इज अ सबमर्स्ड डायोशस प्लांट है, मतलब सो व्हाट यू मीन बाय डायोशस, डायोशस प्लांट वो होता है जिसमें मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है, मींस मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट। सो वैलिस्नेरिया इट इज सबमर्स्ड, वाटर में डूबा हुआ प्लांट है, सबमर्स्ड मतलब होता है वाटर में डूबा हुआ, इट इज अंडर द वाटर, एंड डायोशस मींस मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट, दे आर सेपरेटली ग्रोन, इट्स अ फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है, इन विच फीमेल फ्लावर्स रीच द वॉटर सरफेस टेम्पररली टू एंश्योर पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर। मीन्स वॉट हैपन्स इन दिस केस, सो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सो वॉट इज हैपनिंग हियर, देखो कि दिस इज वॉट मेल प्लांट, इस मेल प्लांट के ऊपर ये मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं, एंड दिस इज अ फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट में आपको ये स्टाइल दिखाई दे रहा है और ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। सो एंड दिस इज व्हाट वाटर लेवल, सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। द मेल फ्लावर मैच्योर फर्स्ट, दिस मेल फ्लावर आफ्टर मैच्योरेशन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, यानी वॉटर सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये फ्लोट होगा, एंड वॉटर सरफेस पे फ्लोट होने के बाद में this particular flower will reach, so ये जो male flowers है ये male flowers water के surface के ऊपर float होते हैं, और ये जो female plant है, इस female plant का जो flower है उसका ये style है, right, and this is what stigma,
इनिशियली क्या रहता है कि ये जो स्टाइल है ये स्प्रिंग के जैसा, स्प्रिंग के जैसा कॉइल होके वाटर सरफेस के नीचे में काफी नीचे रहता है। फिर जैसा ही फीमेल फ्लावर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद ये अनकॉइल होगा, अनकॉइल होके ये जो स्टाइल है, दिस पर्टिकुलर स्टाइल विल रेज द स्टिग्मा टू द वाटर सरफेस, स्टिग्मा को वाटर सरफेस की ओर ये रेज करेगा स्टाइल, बिकॉज ऑफ अनकॉइलिंग ऑफ द स्टाइल। एंड एट द सेम टाइम द फ्लावर्स आर प्रेजेंट देयर, दोज फ्लावर्स विल मूव टूवर्ड्स द फ्लावर बिकॉज ऑफ वाटर करंट ओनली, एंड दे विल गेट एग्रीगेटेड सराउंडिंग द फीमेल फ्लावर। सो मेल फ्लावर्स विल गेट एग्रीगेटेड, गेट असेंबल्ड अराउंड द फीमेल फ्लावर, एंड देन देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर बाय वॉटर ओनली। सो एज हियर द पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस विद द एजेंसी ऑफ वॉटर अबव द सर्फेस ऑफ द वॉटर, हेंस इट्स कॉल्ड एज एपी हाइड्रोफाइली। इसलिए क्या बोला है, एपी हाइड्रोफाइली, क्योंकि पॉलिनेशन वॉटर सर्फेस पे हो रहा है और वॉटर के जरिए हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोला है, एपी हाइड्रोफाइली। सम पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर इज दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वॉटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भी पोलन ग्रेन, जैसा हम हाइपोहाइड्रोफाइली में हमने देखा था, हाइपोहाइड्रोफाइली में पोलन ग्रेन काफी वजनदार था, मतलब इट वॉज हैविंग अ वेट, और वी कैन से इट वॉज हेवियर देन द वॉटर, और बिकॉज ऑफ हैवीनेस इट वॉज गेटिंग सिंक टू द बॉटम ऑफ द वॉटर वॉटर। तो हेवी होने की वजह से वो धीरे धीरे सिंक डाउन हो रहा था, और वैसे केस में भी जो फीमेल फ्लावर है दैट वॉज ऑल्सो सबमर्स्ड, वॉटर के अंदर ही था, और वो कंडीशन उस प्लांट के लिए फेवरेबल थी, बिकॉज ऑफ दैट द पोलन ग्रेन वॉज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर। तो उस प्लांट के लिए हाइपोहाइड्रोफाइली सूटेबल है, लेकिन इस प्लांट के लिए जो वैलिसनेरिया है इसमें एपी हाइड्रोफाइली सूटेबल है, और एपी हाइड्रोफाइली को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए जो एडाप्टेशन डेवलप हुए हैं, उस एडाप्टेशन में ये एक एडाप्टेशन है, ये एक मॉडिफिकेशन है। एडाप्टेशन का मतलब मॉडिफिकेशन, कि जो पोलन ग्रेन है दैट पोलन ग्रेन इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज इक्वल टू दैट ऑफ वॉटर, यानी पोलन ग्रेन की और वाटर की दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल है, उसी के वजह से ये पोलन ग्रेन वाटर सरफेस पे तैरता है, दैट इज व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन केस ऑफ ऑल एक्वेटिक प्लांट्स द पॉलिनेशन विल टेक प्लेस बाय वाटर। ये जरूरत नहीं है कि सारे के सारे जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर के जरिए ही होगा। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स है जिनमें पॉलिनेशन विंड के जरिए होता है। सो सम एक्वेटिक प्लांट्स आर अनिमोफिलस, एग्जाम्पल पोटामोगेटन एंड हैलोगेरिस। ये दो एग्जाम्पल दिया गया है, पोटामोगेटन एंड हैलोगेरिस। इन बोथ दीज प्लांट्स द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड, और ऑब्वियसली इन प्लांट्स में उस तरह से मॉडिफिकेशन भी होगा, हो सकता है कि जो फ्लावर्स है वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, एंड प्लांट जो है वो सबमर्ज्ड होगा, और फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स आर प्रेजेंट अबव द वाटर सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ विंड देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। एंड ऑल्सो सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एंटेमोफिलस। अब यहां पर जो प्लांट है ये है तो वाटर प्लांट्स, लोटस, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ऑल आर वाटरी प्लांट्स, मींस द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, हाइड्रोफाइट्स है सभी के सभी, लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, दीज आर ऑल हाइड्रोफाइट्स, दे आर
plants which grow in the water, but they are not hydrophilous plants. ये hydrophilous plants नहीं है, ये entomophilous plants है. और entomophily का मतलब होता है pollination with the agency of insect. Your pollen grains are transferred with the help of insect. तो इन प्लांट्स में लोटस, वॉटर hyacinth एंड वॉटर लिली, इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है, दैट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स.